नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। कुशीनगर के जिला मुख्यालय पर निर्माणाधीन राजकीय मेडिकल कॉलेज का ADM देवी दयाल वर्मा ने निरीक्षण किया। कार्य की धीमी प्रगति पर नाराजगी जाहिर करते हुए निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। सहारनपुर में नगर निगम और साइकिल मोटिवेशन ऑफ इंडिया द्वारा क्लीन सिटी ग्रीन सिटी जागरूकता अभियान के तहत एक साइकिल रैली निकाली गई। नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह और अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिस्ट बाबूराम सैनी ने कलेक्ट्रेट तिराहे से हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली कलेक्ट्रेट तिराहे से शुरू होकर साइकिल रैली दिल्ली रोड, हसनपुर चौक, ITC रोड होते हुए सर्किट हाउस पहुंचकर समाप्त हुई। फतेहपुर में एक दिवसीय कार्यक्रम में आए केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने विपक्षियों पर जमकर तीखा हमला बोला। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती में निकले जुलूस में पथराव के सवाल पर कहा कि यूपी में कई जगहों में जुलूस निकाला लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। मैंने क्योंकि पूरा रोड यदि दे रहे थे तो उसमें कैबिनेट में जाना पड़ रहा था। ये पहले विभाग वाले बता देते तो पहले ही बन जाता। उन्होंने ऑन टाइम पर बताया कि ये लंबा दोनों गाजीपुर से विजयपुर देने के कारण सीधे मंत्री नहीं कर सकते। वो कैबिनेट में जाता, कैबिनेट से फिर पास होता तब वो बनता। तो मैंने उनको कहा कि यही सजेशन आप 2022 के पहले बता देते तो दो पार्टों में कर देते, गाजीपुर से विजयपुर, गाजीपुर से हसोता, हसोता से विजयपुर। अब वो दो भागों में करके ADM साहब ने भी सजेशन दिया, मैंने भी यही कहा कि आप दो भागों में भेजिए तो विभाग से सीधे डायरेक्ट हो जाएगा। अमरोहा के थाना गजौला पुलिस ने अंतरजनपदीय वाहन चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। वहीं उनके कब्जे से चोरी की हुई 7 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। साथ ही आरोपियों के पास से अवैध असलहा, तमंचा, कारतूस बरामद किया गया है। शाहजहाँपुर पुलिस ने सुबह मुठभेड़ के बाद शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाश के सिर पर पुलिस ने 10,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। बदमाश की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने लंबा पीछा किया जिसके बाद बदमाश पकड़ा गया। फिलहाल बदमाश को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। थाना कटरा को शानू नामक एक शातिर चोर जो गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था और इसके ऊपर 10,000 रुपये का पुरस्कार भी था, उसे गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। अभी वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी और विवेचनाओं के निस्तारण का एक ड्राइव चल रहा है माननीय पुलिस महानिदेशक ऊपर उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा। उस ही क्रम में ये जितने भी इस तरह के वांछित अपराधी हैं सबके यहाँ लगातार दबिशें पड़ रही थी और इसी क्रम में कल सटीक सूचना प्राप्त होने पर इसको गिरफ्तार किया गया है। इससे इसके फरारी के दौरान जो ये क्या कहाँ कहाँ इसकी लोकेशन रही हैं इसके बारे में भी छानबीन की जा रही है और इसको थाना कटरा में दाखिल कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। कन्नौज में देर रात मोबाइल दुकानदार पर दबंगों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। दबंग दुकान में घुसे और किसी बात पर पहले दुकानदार से बहस की, फिर अचानक सबने मिलकर मोबाइल दुकानदार पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले में दुकानदार बुरी तरह से घायल हो गया। दबंग हमलावरों के जाने के बाद परिजनों ने दुकानदार आयुष को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने इस मामले में 4 नामजद सहित 15 अज्ञात हमलावरों के खिलाफ 8 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मुजफ्फरनगर में SP देहात के नेतृत्व में रेड स्कीम रिहर्सल को लेकर सड़कों पर भारी पुलिस बल उतरा। जहां कस्बा बढ़ाना के अति संवेदनशील स्थल कस्बान पुलिया पर SP देहात अतुल कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में भारी पुलिस बल द्वारा सांप्रदायिक दंगा, मारपीट, झगड़ा, बवाल या फिर किसी भी विषय और विश्व परिस्थिति से निपटने के लिए रेड स्कीम तैयार की गई है। स्कीम में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े निर्देश दिए गए। इसी खबर पर हमारे संवाददाता तस्लीम राणा खास बातचीत की है, देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। जैसे जैसे त्योहार नजदीक आ रहे हैं सरकार ने जो तमाम छुट्टियां थी पुलिसकर्मियों की उनको भी रद्द कर दिया है। त्योहारों के मद्देनजर ये फैसला लिया गया था। पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है त्योहारों को लेकर। ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है बुढ़ाना CO
विनय गौतम, उनसे बात करते हैं किस तरीके की तैयारी त्योहारों को लेकर पुलिस की तरफ से की जा रही है और कैसे मॉनिटरिंग की जा रही है। अलर्ट पर रखा गया है तो क्या मानते हैं किस तरह मतलब मॉनिटरिंग किया जा रहा है? देखिए ऐसा है कि जब भी कोई हमारे प्रदेश में त्यौहार होते हैं, होली, दीपावली, ईद, बारह वफाद या मुहर्रम, तो हम लोग सुपर सेंसिटिव उसमें रहते हैं। ये हमेशा का नियम है कि जब भी कोई त्यौहार आते हैं पुलिस उसकी पहले से तैयारी करती है, होमवर्क करती है। आगामी जो त्यौहार आने वाले हैं 3 तारीख को, जो आगे महीने में आने वाली ईद है, उसी दिन परशुराम जयंती भी है, अक्षय तृतीया भी है, तो हम लोगों ने उसकी पूरी तैयारी की, पीस कमेटी की मीटिंग की, धर्म गुरुओं को बुलाया, सभी धर्मों से लोगों को बुलाया, उनको बताया कि किस किस तरीके से कार्य कर रहे हैं। एक अभी हमारे यहाँ जो चला, इसमें हाईकोर्ट का भी डिसीजन आया था पिछले साल, तो इसमें रीट की गई थी वॉल्यूम के बारे में, जो धार्मिक स्थलों से वॉल्यूम तेज हो जाता है, तो उसमें बताया कि 80 डेसिबल की आवाज़ पे ही उसको रहना है। वो सब लोग हमारी बातों से सहमत भी हैं, जिनके पास जो भी धर्म से सब लोग आए थे, चारों धर्मों के सब लोगों ने अपने जो एक्स्ट्रा स्पीकर थे वो हटाए और उन्होंने जानकारी की और अपना वॉल्यूम कम करा, सब ने सहयोग देने वाली बात की। समाज में सबको मिलजुल के रहना, एक भाईचारे का मैसेज जाना चाहिए, वो जा रहा है, सब लोग उसमें सहयोग कर रहे हैं, बस यही हमारी तैयारी है जो रूटीन वे में चलती है। तो साहब एक बड़ी बात और होती है, जब 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 भी माहौल खराब होता है, माहौल में परिवर्तन होता है, तो सोशल मीडिया पर जो कुछ असामाजिक तत्व होते हैं काफ़ी बड़ी भूमिका निभाते हैं, तो सोशल मीडिया को लेकर किस तरह मॉनिटरिंग प्रशासन की तरफ से की जा रही है? हमारे यहाँ मीडिया सेल अलग से बहुत एक्टिव है, हम लोग उस पर काम करते रहते हैं और 24 घंटे उस पर काम होता है। जो भी, वैसे तो हम कोशिश करते हैं कोई इस तरीके की बातें ना डाले उसको सोशल मीडिया पे, लेकिन यदि कोई डालता भी है तो उसको त्वरित जो है इसको डिलीट करा जाता है, उस व्यक्ति को पकड़ा जाता है, उसके खिलाफ जिस भी धारा का मुकदमा बनता है उसको पंजीकृत करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, ताकि समाज में अमन चैन कायम रह सके। देखिए थे हमारे साथ बुढ़ाना शिव विनय गौतम, जो कह रहे हैं जो आगामी त्यौहार है उनको लेकर पूरी तरह से पुलिस अलर्ट है और तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जहाँ से लोग अफवाह फैलाते हैं उन पर भी नज़र बनाए हुए, यदि इस तरह की कोई आपराधिक कार्य करेगा सोशल मीडिया के माध्यम से तो उस पर निश्चित कार्रवाई की जाएगी। मैं तस्लीम राणा, न्यूज़ जोन इंडिया, मुजफ्फर। अलीगढ़ थाना गांधी पार्क इलाके में पुलिस ने ऑपरेशन नार्को के तहत एसएसपी अलीगढ़ कलरदीन थाने के निर्देशानुसार क्षेत्र अधिकारी मोहसिन खान के सहयोग से 14 लाख रुपए की गांजे सहित 2 आरोपियों को दबोचा, जिनके पास से 140 किलो गांजा बरामद किया गया। थाना गांधी पार्क को एक सूचना मिली थी जिसमें एक ट्रक में अवैध गांजे के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताया गया था। इस सूचना पर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन नार्को के तहत कार्रवाई करते हुए क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निर्देशन में टीम बनाई गई, जिसमें इस ट्रक को तलाश किया गया और तलाशी के दौरान इसमें यह पाया गया कि यह ट्रक बड़ी मोटरों के ट्रांसपोर्टेशन की आड़ में एक विशेष प्रकार की कैविटी जो कि इसके अंदर बनाई गई थी में 28 पैकेट नशीला गांजा ट्रांसपोर्ट कर रहा था। अमेठी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाजार शुक्लू में जिला चिकित्सा अधिकारी सीमा मेहरा ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्टाफ की कमी के लिए शासन को पत्र भेजे एनएम सेंटर के सामान को व्यवस्थित करने का निर्देश दिया गया। इमरजेंसी रूम का भी जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हम ये पाए हैं कि यहाँ पर सामान तो सभी है, बस उसको थोड़ा व्यवस्थित करने की जरूरत है। स्टाफ की कमी है, डॉक्टर भी एक ही है, तो मैंने उनसे यही निर्देश दिया है कि इसको बिल्कुल सफाई रखें, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। दवाई भी इनके पास सभी प्रकार की उपलब्ध हैं और फार्मासिस्ट तो हैं इनके पास 3, तो सभी प्रकार से दवाई ये लोग दे सकते हैं। वहीं फिरोजाबाद में भाजपा महिला मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष उज्ज्वल गुप्ता का थाना उत्तर में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने के लिए मिला। दरअसल न्यायालय के आदेश पर दर्ज मुकदमे पुलिस पर वो दबाव बना रही थी और इसको लेकर लगातार वो हंगामा काटती हुई नजर आई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विधानसभा में एमएलसी चुनाव के बाद कुशीनगर में आयोजित जिला पंचायत की बैठक में सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे का कारण यह था कि सूची में क्यों पूर्व में स्वीकृत अपूर्ण योजना पर चर्चा को शामिल किया गया, क्योंकि सदन द्वारा पूर्व की बैठक में इस पर गहनता से विचार किया जा चुका है, इसलिए इस पर चर्चा करने के सदन का समय बेकार जाएगा। रेलवे पेंशनर समाज का नवम वार्षिक सम्मेलन संस्था के कार्यालय पर आयोजित किया गया। वार्षिक सम्मेलन का शुभारंभ भारत माता के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर वंदे मातरम गायन के साथ किया गया।
आज हमारे रेलवे पेंच समाज का नवम वार्षिक सम्मेलन है। अतिथि के रूप में हमारे मंडल रेलवे प्रबंधक के प्रतिनिधि के रूप में मंडल सहायक कार्मिक अधिकारी हरीश कुमार जी, भारत पेंशन समाज के प्रतिनिधि के रूप में उनके उपाध्यक्ष पेंशनराज जी, सिटीजन वेलफेयर टी के अध्यक्ष खन्ना जी, हमारे मेयर शिवालिया जी और हमारे रेल पिटल के मेड पॉइंट डॉक्टर रेत कुमार अतिथि में आयु। आज हमने चार वर्ष विधियों पे आगे चर्चा की, रेल पेंशनर्स की समस्याएं हैं उन पे की मामले हल हो गए हैं उन पे। चारधाम यात्रा मार्ग पर सुचारू यातायात को लेकर प्रशासन और पुलिस की ओर से युद्ध स्तर पर कार्रवाई की जा रही है, जिसे लेकर शनिवार को प्रशासन और पुलिस की टीम ने नगर पालिका अधिकारी और कर्मचारी के साथ चमोली बाजार का स्थलीय निरीक्षण किया है। इस दौरान संयुक्त मजिस्ट्रेट अभिनव शाह ने व्यापारियों से यात्रा काल में सहयोग करने की बात करते हुए हाईवे पर सड़क पर और नालियों के ऊपर सामान न लगाने के निर्देश दिए हैं। रुड़की में नगर निगम में आयोजित बोर्ड की बैठक काफी हंगामेदार रही। इस दौरान पार्षदों के बोल बिगड़ते हुए नजर आए। जहां पार्षदों ने अपने सभी प्रस्तावों को पास कराने की अनुमति दी, तो वहीं मेयर गौरव गोयल के किसी भी प्रस्ताव पर मोहर नहीं लगने दी और पार्षदों ने जोरदार हंगामा करते हुए बोर्ड की बैठक को बीच में ही खत्म कर दिया। दिखाया आप लोगों को रजिस्टर के अंदर पत्रांक छह छह महीने की तारीखों के पत्रांक छुटे हुए थे। निर्माण की जो एजेंसियां निकलती हैं उनके पत्रांक उन्होंने मेन ऑफिस के रजिस्टर से भर रखे हैं। अनेकों अनेक डेंगू की दवाई 55 लाख रुपए की, आप खुद बता सकते हैं कि क्या लगी होगी शहर के अंदर, 5-4 लाख रुपए की दवाई लगी होगी। बाकी सब उन्होंने दोनों लोगों ने मिलकर के उनकी जो जोड़ी थी चंद्रकांत भट्ट की नुपुर वर्मा की, मैं पत्रकारों से ही कहता हूँ कुछ एक पत्रकारों को इतना अधिक आर्थिक लाभ देके गए हैं। सारे विज्ञापन ऐसे अखबार में देखे गए जिसके उड़के 50 कॉपी आती है, 100 कॉपी आती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी जिले के पीरसेन क्षेत्र के मासो चौपड़कोट दौरे पर रहे, जहां सीएम ने पेशावर कांड के महानायक स्वर्गीय वीरचंद सिंह गढ़वाली की स्मृति में मनाए गए क्रांति मेले में शिरकत की और क्रांति दिवस मेले को राजकीय मेला घोषित किए जाने की घोषणा की। दौरान सीएम ने स्वर्गीय वीरचंद सिंह गढ़वाली की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया और बताया कि अब से हर साल क्रांति मेले को मनाया जाएगा। यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो बागवानी का क्षेत्र है और वनीकरण का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में हमने प्रयास करें इस क्षेत्र में हमारे लोगों को मिलाकर जो यहाँ की कृषि आधारित हमारी जो योजना है उसी से रोजगार मिले। उत्तराखंड के जंगल लगातार धधक रहे हैं। श्रीनगर पौड़ी के जंगलों में बीते एक सप्ताह से आग लगी हुई है, जिसकी वजह से जंगल लगातार जलते जा रहे हैं। जंगलों को लेकर पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुदियाल ने सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि हम लगातार इन्हें जगाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये आंखें मूंदे बैठे हैं। उत्तराखंड की सरकार को सिर्फ राजनीतिक कारणों से जगने की आवश्यकता जान पड़ रही है और क्षेत्र के हित में, इस प्रदेश के हित में सरकार को जो करना चाहिए उससे सरकार आंख मूंदे हुई है। सरकार कृपया जागे और उत्तराखंड के इन कोयले होते पहाड़ों को देखकर कुछ तो जरा शर्म कीजिए, कुछ तो कुछ कीजिए। आज जंगल के पशु पक्षी तमाम ये वृक्ष इस आग में इस तरह जल रहे हैं। सहारनपुर के ननौता क्षेत्र में दो व्यक्तियों के शव खेत में मिलने से हड़कंप मच गया। किसान का शव पेड़ पर फांसी के फंदे से लटका मिला, जबकि उसके नौकर का शव पास के कुएं में मिला। एक साथ दो शव मिलने से सनसनी फैल गई। स्पीहात पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की छानबीन में जुट गए। आज थाना ननौता अंतर्गत ग्राम सोनार्जुनपुर में दो शव मिले हैं, जिसमें से एक के हाथ और गर्दन कटे हुए और एक आम के पेड़ से लटकता हुआ मिला हुआ है। जो प्रथम दृष्टया पूछताछ है उसमें ये प्रतीत होता है कि ये हत्या और आत्महत्या का मामला है। जो शव विक्षिप्त हालत में मिला है वो इनके नौकर प्रवीण का शव था और लगातार शाम को इनसे पूछा जा रहा था कि ये नौकर कहाँ है। इनकी बात भी हुई है अपने परिजनों से और इनके बच्चों ने पूछताछ में बताया कि आखिरी जो इनकी बात हुई है फ़ोन पर, उन्होंने बताया कि बाकी जो नौकर के परिजन है वो इनको परेशान कर रहे हैं और पूछ रहे हैं इनके बारे में। ना इनका बोंडा बाड़ी रखा हुआ था जी 10-12 साल से जी। अच्छा जी, सब बाहर होगी जी, खेत में तो गांव में चलेगा, गांव में तो जो है जी हटका जो आया है गन्ने काटने के लिए हटका दोबारा नहीं जा पाया जी। कितने दिन पहली बात है ये जी? है 19 तारीख की जी। 19 तारीख की जी। किस टाइम निकले थे घर से?
घर से निकला आई ऐसे कोई 7 बजे करीब निकला जी सुबह में नहीं शाम के अच्छा शाम के 7 बजे फिर दोबारा नहीं जी घर पर गया हो तो आपने ढूंढा होगा इधर हाँ जी हमने ढूंढा जब बाहर होगी मगर भाई तक नहीं आया हमने ढूंढा जी फरुखाबाद में पट्टे की भूमि पर बने मकानों को तुड़वाकर आपात्रों को देने का प्रधान पर आरोप लगा है। ग्रामीणों ने वर्तमान प्रधान पर पट्टे की जमीन पर बने गरीबों के आशियाने को छुड़वाया। गरीबों के आशियाने को तुड़वाकर 50,000 रुपए में आपात्रों को जमीन देने का ग्रामीणों ने गंभीर आरोप भी लगाया है। जौरपुर में संदिग्ध परिस्थिति में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर करते हुए पुलिस को तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। ये मर्डर का मामला है। क्या हुआ था पूरा? क्या हुआ? पूरा लड़का जो है 22 साल की उम्र है उसकी और ये कल जो है एक शादी में गया था और इस बारात गई थी सुरेश और उसका निवास स्थान पक्का पोखरा है, राजू सिंह नाम है और उसके भाई नाम रमेश सिंह, मेरा क्लास फेलो था। तो बारात में वो गया था और बारात तो गई थी सुरेश, लेकिन उसकी लाश मिलती है आज जो है रेलवे फाटक के बगल में। कितना बजे लाश मिली है? अभी करीब 1 घंटा पहले। और अब खबर गौना से, जहां जिला पंचायत सभागार में जिला समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता किशनगंज के बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिजभूषण चरण सिंह ने की। निगरानी समिति की बैठक में जिले के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी के साथ सातों विधानसभा के विधायक, जिले के सभी अधिकारी और जिला पंचायत सदस्य मौजूद रहे। बीजेपी सांसद ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि शिवपाल सिंह यादव की तारीफ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जमीनी नेता है। सुख दुख झेलने के बाद वो नेता बने और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वो अवसरवादी नेता है। शिवपाल यादव ने अच्छा काम किया। अगर मेरा कोई साथी किसी कारण से कहीं है तो उसके दुख में शामिल होना चाहिए। गलत है या सही है मैं न्यायपालिका की बात नहीं करता। अखिलेश यादव ने बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी गलती की अखिलेश यादव ने। मैंने पहले कहा था कि मुलायम सिंह होते तो वो जाकर के जरूर मिलते आजम खां से और सरकार विवश हो जाती, आंदोलन खड़ा कर देते। लेकिन सुविधा भोगी लोग है, नेता नहीं है और शिवपाल नेता है। शिवपाल सुख दुख झेले हैं और मैं तो शिवपाल का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मेरे मन में तो मेरे मन में तो आता है मैं खुद जाकर के आजम खां से मिलूं, मैं खुद आजम खां से मिल सकता हूं। अमरोहा के रेरा थाना क्षेत्र के गांव में धोखेबाज प्रेमी की प्रेमिका ने मौके पर पहुंचकर शादी रुकवा दी। इसके बाद प्रेमिका के साथ आए परिजनों ने प्रेमी पक्ष के लोगों के साथ जमकर मारपीट की, जिसका लाइव वीडियो सामने आया है। मामले में यह भी जानकारी मिल रही है कि विवाद बढ़ता देख दूल्हा बाइक लेकर मौके से फरार हो गया। समाजवादी पार्टी ने बरेली जिले के भोजपुरा क्षेत्र से पार्टी विधायक शहजल इस्लाम के पेट्रोल पंप और शाहजहांपुर जिले के तिलहर क्षेत्र के पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा के घर पर बुलडोजर चलाए जाने के मामले की जांच के लिए अलग अलग प्रतिनिधिमंडल का गठन किया, जो 25 अप्रैल को शाहजहांपुर और 26 अप्रैल को बरेली पहुंचकर मामले की जाँच करेगा। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।